गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आप लोगों को तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो आज की वीडियो जो है वो बेस्ड है कि मेरे सब्सक्राइबर का रिएक्शन क्या रहा जब रिजल्ट उन लोग का आया, क्योंकि वो लोग इनमें पहली बार हुआ था ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न हुए थे तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो आफ्टर रिजल्ट उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो ये रहे मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, मैंने स्क्रीन शॉट्स लिए हैं। मेरे लिए आप सभी बराबर हो इसलिए मैंने सबकी रेंडमली स्क्रीन शॉट लिया है, तो ऐसे ही इधर उधर हो के आया है। कोई ये मत कहना कि मैम मैं तो इतना अच्छा नंबर पाया था तो मेरा पहले नाम क्यों नहीं लिया। नहीं, मेरे लिए आप सभी बराबर हो। आप कितना नंबर पाते हो कितना नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग का क्लियर हो गया है और आप सभी मेरे लिए स्टूडेंट हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि वो ज़्यादा अच्छा नंबर पाया तो मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी। नहीं, मेरे लिए आप सभी एक बराबर हो, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं की हूँ कि जो लोग ज़्यादा नंबर लाए उनका नाम पहले लो। नहीं, मेरे लिए आप सभी एक बराबर हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या मुझे कमेंट किया है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी जब फाइनल रिजल्ट निकला था तो उस पर क्या क्या लोगों का कमेंट आया है उसके बारे में आज ही वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर पहले रजनीश है जिन्होंने मेरे चैनल से अपना सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर किया था, तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला है, तो वेलकम रजनीश। नेक्स्ट है आयुषी, वो भी मेरी चैनल से ही तैयारी की थी, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला है कि मैंने उनकी इतनी सारी हेल्प की है, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। प्लस रूपाली जी हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में 46 मार्क्स गेन किए हैं और ओवरऑल इस सेमेस्टर में उन्होंने 89.3% पाई हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस, आप लोग इतने अच्छे से नंबर पाए हो तो इस चीज़ को मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। नेक्स्ट है कृष्णा, जिन्होंने 52 नंबर पाए इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में और ओवरऑल 89.2% 8th सेमेस्टर में उन्होंने पाया है। तो उन्होंने इससे पहले भी जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एग्ज़ाम दे के आए थे तब उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और फाइनली उन्होंने अगेन मुझे थैंक यू कहा है। तो वेलकम कृष्णा। एंड प्रियांशु ने 85% गेन किया, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना नंबर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट उन्होंने ओवरऑल बताया है कि इस सेमेस्टर में उन्होंने 85% गेन किया है। प्लस प्रतीक जी भी हमें थैंक यू कहते हैं कि मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चन डिज़ाइन किया था एकेटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में 59 नंबर गेन किए हैं और ओवरऑल इस सेमेस्टर में उन्होंने 93.2% गेन किए हैं। तो कांग्रेस गाइस इतने अच्छे नंबर पाने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट है रिशभ, जिन्होंने मुझे थैंक यू कहा है कि मैंने उनकी इतनी सारी सपोर्ट की है, इतना ज़्यादा हेल्प किया है। अगेन नीलेश ने भी मुझे थैंक्स कहा है, कसीम ने भी मुझे थैंक्स कहा है, इन लोगों ने मुझे थैंक्स कहा है सपोर्ट करने के लिए। इन लोगों ने अपना मार्क्स मेंशन नहीं किया कि किस सब्जेक्ट में कितना पाए हैं, प्लस इन्होंने ये भी नहीं बताया ओवरऑल इनका कितना है, बट कोई बात नहीं, आप कितने ही पाए हो मेरी वजह से आपको की हेल्प हुई है, तो आई एम सो हैप्पी इस चीज़ के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी वजह से आप लोग की इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। नेक्स्ट है गौरव, जिन्होंने मुझे कहा है कि थैंक यू आपने जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया था उसके लिए। प्लस विनय ने भी मुझे थैंक्स कहा है और गुलशन ने भी थैंक्स कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ, बट मैं इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ और वो पाए हैं 87% इस सेमेस्टर में। तो कांग्रेस गाइस। नेक्स्ट है विनय, विनय का मैंने दो बार ले लिया स्क्रीन शॉट, इट्स ओके। नेक्स्ट देख लीजिए विजय, जिन्होंने 60 नंबर पाया इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में, वाओ ग्रेट, और इनका इस सेमेस्टर में आया है 91.2। तो कांग्रेस विनय, आपने बहुत अच्छा नंबर गेन किया है। प्लस द रॉकिंग ने भी मुझे थैंक यू कहा है कि यू वेलकम गाइस, मेरी इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इतना अच्छा रिजल्ट लाई है ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एटलीस्ट मेरी मेहनत रंग लाई है तो ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। नेक्स्ट है प्रिंस, जिन्होंने कहा है इनका बैक लग गया है, क्योंकि मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है इसमें इनका बैक लग गया है, सो सॉरी फॉर दैट। अगर मैं कोई हेल्प कर पाती तो मैं ज़रूर की होती, बट मेरे पास भी टाइम कम था, बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए कह रहे थे बट मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर पाई, तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है कि काश मेरे पास टाइम होता और मैं आप लोग के लिए हेल्प कर पाती, तो आई एम रियली सॉरी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। प्लस रचित जी हैं, उन्होंने भी मुझे थैंक यू कहा है, रमन ने भी मुझे थैंक्स बोला है,
यहाँ पर अपने नंबर ईडी और डीआईपी सब्जेक्ट क्या है मुझे नहीं पता, बट इन्होंने भी मुझे थैंक्स बोला है। यू वेलकम गाइस एंड प्रिंस, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। नेक्स्ट है सूरज, जिन्होंने मुझे थैंक्स बोला है कि अगर मैं नहीं होती तो शायद इनका क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो इस वजह से उन्होंने थैंक्स बोला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नहीं पढ़ेंगे उन्हीं का बैक लगा होगा, अदरवाइज जो पढ़े होंगे उनका बैक नहीं लगा होगा। प्लस इनको सबसे ज़्यादा डर तब लगा था जब मैं गुस्से में आके अपनी सभी वीडियो को प्राइवेट कर दिया था। तो गाइस आप खुद सोचो, मैं इतनी ज़्यादा रात रात पर चेक की, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, और उसके बाद ही आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे, ना ही लाइक कर रहे थे, ना ही कमेंट कर रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ और इसके अगेन मुझे क्या रिएक्शन मिल रहा है कि आप लोग देख रहे हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी उस टाइम, और अभी भी हूँ हर्ट। बट अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है आप लोग, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे ये मैं नहीं जानती। हाँ इन प्रेजेंट आप कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, बट कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आप किसी की मदद करो, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी सपोर्ट करे। तो कभी इस चीज़ की उम्मीद ना रखो, आप बस सामने वाले की हेल्प करो, उसके अपोजिट में वो आपकी हेल्प करे, आपकी सपोर्ट करे, तो इसकी उम्मीद कभी मत रखना। ये मैं समझ चुकी हूँ आप, तो इसलिए मैं अब आप लोग से कभी नहीं कहने वाली कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें, कुछ नहीं। आप लोग की इच्छा है तो आप लोग करिए, नहीं है तो ना करें, बट मैं अब नहीं कहने वाली क्योंकि मैं ये बात समझ चुकी हूँ। तो यार सूरज, मैं उसमें बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो इस वजह से मैंने ऐसे किया। तो बस इतने ही सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे कमेंट किया था। प्लस अभी कुछ देर पहले शुभम ने कमेंट किया हुआ है, थैंक यू मैम, आपकी हेल्प, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, तो उन्होंने भी मुझे थैंक्स कहा है। तो यू वेलकम शुभम, और फाइनली आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, फाइनली आप लोग इंजीनियर्स बन गए हैं। तो आप आगे क्या करते हो वो आपके ऊपर डिसाइड है। आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, जॉब करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। प्लस मैं इसे में कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को इन फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ें बताऊँ, कोई कोडिंग प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप अगर इन फ्यूचर कहीं जॉब लेना चाहते हो, क्योंकि अभी COVID-19 चल रहा है तो इसे में कोई बाहर नहीं निकल रहा होगा, बट इन जनवरी या फरवरी में आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगी, और आप लोग मे बी अच्छी कंपनी में जाने की कोशिश करोगे, तो आप लोग को कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और आई नो कि आप सभी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग से हो, और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें कोडिंग नहीं आता, क्योंकि उन्हें वो कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती है, तो इस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइस मैं कभी लगी हुई इसी काम में, कंटेंट अरेंज कर रही हूँ ताकि मैं आप लोग को बेस्ट कोडिंग प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि इन फ्यूचर आपकी हेल्प हो सके। प्लस इन प्रेजेंट मैं भी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ आप लोग के लिए, ये जो सब्जेक्ट अभी मैं लेके चल रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग वायरलेस, इसे कंटिन्यू करूँ या फिर कोई न्यू सब्जेक्ट जो 7 सेमेस्टर में चल रहे हैं उनके लिए मैं तैयार करूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पर रहेगा, कन्फ्यूजन थोड़ी सी हूँ, तो वहाँ पर मैं आप लोग से डिस्कशन करूँगी कि आप लोग क्या चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग को या वायरलेस को कंटिन्यू करूँ, या फिर सब्जेक्ट हैं जो 7 सेमेस्टर के, उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट मैं लेके चलूँ। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या चीज़ देख चुकी, इन्हें कंटिन्यू रखूं या फिर मैं जो सब्जेक्ट वहाँ आपको बताने वाली हूँ उन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट लेके चलूँ, ठीक है। और आगे तो कोडिंग के बारे में आप लोगों को प्रोवाइड करनी ही वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरी वजह से, मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी वजह से आप लोग का इतना अच्छा हेल्प हुआ है और आप लोग का इतना पॉजिटिव रिएक्शन आया है। तो आई एम रियली सो हैप्पी फॉर दिस। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।